डाड़े से निकला, डाड़े में 9 बूथ है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 9 का 9 बूथ डाड़े का जो है भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, पूरा कंप्लीट लीड कर रही है। तो मुझे लगता है कि वहीं JBM के कुछ लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया होगा, क्योंकि पसई बूथ पर जैसे ही, अगला बूथ पसई था, पसई बूथ पर जैसे ही मेरी गाड़ी रुकी तो एक तो मुझे कहा गया कि आपको एंटाइटल नहीं है, आप उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, और इतना हंगामा शुरू हुआ कि फिर CRPF के जवान ने कहा कि आप कौन है, कैसे जा सकते, जबकि मेरे पास ये आई कार्ड है, मैं हमेशा आई कार्ड लेके साथ चलता हूँ कि मैं प्रत्याशी हूँ, मैं जा सकता हूँ अंदर। उसके बाद अंदर और बाहर दोनों तरफ से लोग आ गए और लाठी डंडा पटकने लगे, पहले तो गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की, बाद में जो है उन्होंने कहा कॉलर खींचा। इसी बीच में मेरा पोलिंग एजेंट फाल्गुनी आ गया, उसने बीच बचाव करने की कोशिश की, फाल्गुनी को उठा के जो है वो लोग गाँव की तरफ ले जाने लगे, मेरा कुर्ता फाड़ने की कोशिश हुई। तब तक जो है DSP आ गए, यहाँ के जो मिस्टर सिंह हैं DSP, वो आ गए, वो फोर्स आ गए, फोर्स ने फाइनली जो है फाल्गुनी को बचाया, क्योंकि मैं तो निकल भी सकता था, क्योंकि मेरे साथ मेरी वाइफ थी, वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था, जान जा सकती। मॉब में आप और वाइफ दोनों एक साथ गिर गए थे? वो गाड़ी में बैठी थी, वो गाड़ी पीट रहे थे, मैं बाहर खड़ा था, मैं बूथ पे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक DSP आ गए। तो DSP को मैंने कहा कि जब तक मेरा पोलिंग एजेंट नहीं आ जाएगा मैं यहाँ से जाऊँगा कैसे, क्योंकि आपके सामने आपका कार्यकर्ता जो है उसका जान खतरे में है, आप उसको छोड़ कैसे सकते हैं। फाइनली DSP पोलिंग एजेंट को लेकर आए, पोलिंग एजेंट को फिर मैंने उसके जगह पर बैठाया और फिर वहाँ से मैं वापस आया। इस तरह की जो गुंडागर्दी है, प्रदीप यादव 2009-2014 दोनों बार कर चुके हैं, और दोनों बार ये उनका फ्रस्ट्रेशन और उनका कायरतापूर्ण हरकत है उनका और उनके कार्यकर्ताओं का। मैंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखने के लिए कहा है, मैंने कहा किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, ये जो जवाब है बुलेट का इसको बैलेट से दीजिए, 4 बजे तक समय है, जितना भरपूर वोट कर सकते हैं भरपूर वोट कर लिए, 4 बजे के बाद जो फैसला होगा वो हम लोग फैसला। क्षेत्र में और भी कहीं ऐसी कोई घटना का सूचना आपको प्राप्त हो रही है? कई जगह सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, प्रशासन तत्पर है, प्रशासन उस पर एक्टिव है, काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि शाम तक ठीक हो जाएगा। ये फ्रस्ट्रेशन है, बूथ लूटना, बूथ कैटरिंग करना, मारपीट करना, मारपीट करके लोगों को भगा देना, तो छिटपुट होते रहता है। 347 बूथ है, मान लीजिए इस तरह की घटना 100 बूथ पर हो तो 247 बूथ तो अपना सुरक्षित है, 247 बूथ ही उनको हराने के लिए का। तो यह सारी घटना जो है पड़ियार के पसई में ही हुआ अभी? ये घटना मेरे साथ पसई। Hold up, hold up, hold up, hold up.